यस, गुड आफ्टरनून एवरीवन। सो यस्टरडे हमने जो करा था वो थी पेज नंबर 24 का ए बी सी एंड डी पार्ट, जो हमने कल करा था कल की क्लास में। एंड जंबल्ड सेंटेंस, जंबल्ड वर्ड्स थे, उसमें जंबल्ड वर्ड्स को अरेंज करके हमने मीनिंगफुल सेंटेंसेस बनाने थे। और फिर हमने नाउन नेमिंग वर्ड्स किए थे, स्पेशल नेम्स किए थे, और वन और मैनी किए था। होप कि सबने अच्छे से कर लिया होगा। इन द मॉर्निंग आई हैव सेंड यू द दैट ऑल्सो, क्या कहते हैं, मैंने, वेट अ मिनट, यस, सो यस, मैंने वो भी कर दिया था, आंसर की शेयर भी कर दी है। होप यू सब, आप सबने कर लिया होगा। और जो अरेंज द वर्ड्स थे इन सेंटेंसेस, वो इतने मुश्किल नहीं आने हैं, वेरी सिंपल आएंगे। सो नो नीड टू वरी। कल थोड़ा सा आप कंफ्यूज हो गए थे, इतना मतलब कि वरी करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आपको सिंपल से आएंगे अरेंज इन सेंटेंसेस, ठीक है। वो अरेंज करें, सिंपल से वर्ड्स आएंगे आपको, जिनको अरेंज करके आपने मीनिंगफुल सेंटेंसेस बनाने हैं। ओके, सो टुडे वी विल रिवाइज द रीडर पार्ट। हमने रीडर पार्ट सबका आज रिवाइज करना है। तो रीडर पार्ट में आपको फर्स्ट ऑफ ऑल हमने करना है मेक सेंटेंसेस। तो वन बाय वन मैं आपको मेक सेंटेंसेस में, वन बाय वन आपको मैं करूंगी, अनम्यूट करूंगी, और वन बाय वन आपने अनम्यूट होके आपने मेरे को बताना है, इसके आंसर्स बताने हैं। अल्फाबेटिकली आई विल स्पीक द नेम्स, ओके। अल्फाबेटिकली मैंने नेम जो है वो बोलने हैं, ठीक है। सो आई विल सी कि कौन से नेम को मैंने सिलेक्ट करना है, ठीक है। सो चलिए पहले मैं एम से स्टार्ट करती हूँ, लेटर एम से। एम से है मीनाक्षी एंड मान्या। चलिए मीनाक्षी, अनम्यूट योर सेल्फ बच्चे। मीनाक्षी सेकेंड पिंक, मीनाक्षी फटाफट से करा करिए बच्चे। मैजिक वॉन्ड, यस, पार्डन, व्हाट्स योर नेम फर्स्ट, टेल मी योर नेम। मीनाक्षी, ओके मीनाक्षी। ये आपके बच्चे पीछे क्लास लग रही है, आपके यहाँ से आवाज आ रही है? यस मैम। ओके, वांड, वांड क्या होता है मीनाक्षी, पहले बताइए बच्चे, वांड व्हाट इज वांड? छड़ी, क्या? छड़ी, छड़ी, ठीक है, स्टिक हम जिसको बोलते हैं। वांड क्या होता है, एक स्टिक होती है, ओके। सो वांड एज ए नाउन यूज करना है, ठीक है। वांड क्या है, एक चीज है, थिंग है, इसीलिए हमने उसको नाउन बोला है, थिंक है। तो चलिए, क्या आपने सेंटेंस बनाया था बच्चे? अ फेरी हैज अ मैजिकल वांड। फेरी और मैरी, आराम से बोलो बच्चा। अ फेरी हैज अ मैजिकल वांड। मैजिक वांड कह सकते हो, मैजिकली मैजिक वांड, ठीक है, मैजिक वांड, ये कंपाउंड नाउन बन गया मैजिक, ठीक है। तो फेरी हैज अ फेरी हैज अ मैजिक वॉन्ड, दैट्स वेरी गुड ऑफ यू, ओके। चलिए नेक्स्ट है विश। सो मान्या, मान्या, नाउ यू विल अनम्यूट योर सेल्फ। मान्या, मान्या, मान्या अनम्यूट करिए अपने आप को। मान्या, यस, आई विश टू बिकम अ टीचर। I wish to become a teacher. Wish का क्या मतलब होता है मान्या, पहले ये बताओ बच्चे। Wish का मतलब क्या होता है हिंदी में? बनना है, कामना करनी, चाह करनी किसी चीज की, उसको बोलते हैं विश। I wish, मैं कामना करती हूँ, मैं चाह रखती हूँ, ठीक है, इट्स अ वर्ब, ठीक है। मुझे, मैं चाह रखती हूँ कि मैं एक टीचर बनू, ठीक है। सो आई विश टू बिकम अ टीचर, ओके। स्टेयर, then stare, stare as verb. Now mute करिए बच्चे। मान्या, मनमीत कौर, मनमीत कौर, चलिए मनमीत कौर अनम्यूट करिए। सेकेंड पिंक, हाँ जी मनमीत कौर। स्टेयर, स्टेयर का मतलब बताइए पहले मेरे को। स्टेयर, स्टेयर का क्या मतलब होता है मनमीत कौर? घूरना, यस,
इट्स अ वर्ब, घूर के किसी को देखना ऐसे एक टकटकी लगा के ऐसे देखना, ठीक है. सो दैट इज स्टेयर, ठीक है. स्टेयर को एज अ वर्ब यूज करना है. तो व्हाट सेंटेंस यू वुड लाइक टू मेक फॉर दिस, बोलिए बेटा. द बॉय स्टेयर एट द डॉग. द बॉय स्टेयर्ड और स्टेयर बच्चे के दोनों, ठीक है, दोनों तरह से बोलिए. एस टी ए आर के डी भी साथ में लगाना है, बोलिए. यस, अगर स्टेयर लगाना है तो एस लगाओगे. द बॉय स्टेयर्स एट द डॉग, घूरता है. अगर सेकंड फॉर्म लगानी है तो डी लगाओगे. बॉयज बॉय ने डॉग को घूरा. द बॉय स्टेयर्ड एट द डॉग, ठीक है. तो दोनों वेज से होगा. अगर आपने फर्स्ट फॉर्म लगानी है तो बॉय है तो उसके साथ एस आएगा, स्टेयर्स. ओके, सब बच्चों ने ध्यान से क्लास ज्वाइन करनी है, अच्छे बच्चे बनके किसी का भी चांस आ सकता है बोलने के लिए. ओके, सो दैट्स वेरी गुड मनमीत, आपने एफर्ट्स करी है, दैट्स गुड ऑफ यू. चलिए नेक्स्ट. अब आप मैंने यस वी, यस वी से है वाणी, विनायक और वरेश. बेटा आप जो स्क्रीन आप अपना नेम लिखते हो ना, तो प्रॉपर नेम पहले अपना नेम ही लिखना है. ओके, कोई ब्रैकेट वगैरह, कुछ इमोजी वगैरह कुछ नहीं डाला है, जस्ट अपना नेम लिखना है. ओके, चलिए वाणी विनायक, वाणी विनायक. चलिए अनम्यूट करिए अपने आप को. वाणी विनायक अनम्यूट योर सेल्फ बच्चे. हाँ जी, रीच 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 का बना, रीच का बोलिए बच्चे. रीच का मतलब व्हाट, व्हाट रीच, रीच का मतलब क्या होता है पहले ये बताइए. चलिए बेटा पहुंचना, पहुंचना, वेरी नाइस. तो इसका सेंटेंस क्या बनाएंगे आप? प्लीज रीच स्कूल ऑन टाइम. प्लीज रीच स्कूल ऑन, ठीक है, टाइम पे पहुंचिए, टाइम पे पहुंचिए, ठीक है. और इसकी सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब क्या होगी? रीच, रीच, आई रीच स्कूल ऑन टाइम, मैं पहुंचा. ओके, चलिए वरेश वाणी, चलिए वरेश, वरेश अनम्यूट करिए अपने आप को. वरेश बंगा, चलिए वरेश अनम्यूट करिए बच्चे. वरेश मैंने आपको परमिशन दी, यस हाँ हो गया बच्चे, यस. चलिए वरेश, मेरे को पता लग जाता है जब आप म्यूट अनम्यूट हो जाते हैं ना, मेरे को पता लग जाता है. ओके वरेश, चलिए फिफ्थ को रीड करिए. फिफ्थ क्या लिखा है? आर यू एस एस, रश, रश, वेरी नाइस. रश का क्या मतलब? रश का मतलब हिंदी में जल्दी. हाँ, रश का मतलब रश, जल्दी जल्दी, जल्दी जल्दी आए ना, क्या जल्दी जल्दी रन करना, किसी चीज की तरफ जल्दी से भागना, रश, ठीक है, उसको बोलते हैं रश. यस आई रश, यस आई रश टू द हॉस्पिटल. यू रश और यू रश्ड, ईडी के साथ आएगा कि ईडी के बिना, बोलिए बोलो बच्चे. मैम ईडी के साथ आएगा. वेरी नाइस, ईडी के साथ. आई रश्ड टुवर्ड्स द हॉस्पिटल, मैं हॉस्पिटल की तरफ भागा, ठीक है. आई रश टू हॉस्पिटल, मैं हॉस्पिटल की तरफ भागता हूँ, मतलब डेली रूटीन का काम है, ऐसा नहीं है, ठीक है. आई रश टू द हॉस्पिटल, किसी अकॉर्डिंग टू सिचुएशन यू विल यूज द फर्स्ट फॉर्म. लेकिन अदरवाइज अगर हमें फर्स्ट फॉर्म वहां यूज करनी है, आपके जैसे कि आप सेकंड क्लास टू की स्टैंडर्ड की बात है, तो जस्ट डेली रूटीन में जो यूजली फ्रिक्वेंटली डेली हैबिट जहाँ पे आती है, वहां पे फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होता है, ठीक है. देन नंबर सिक्स पे है प्ले ग्राउंड. चलिए पी से हमें अब करूंगी. आई विल टेक द स्टूडेंट्स विद द लेटर पी, ठीक है. चलिए पी पे है पल्लवी की, तो बहुत डर आती. पारस, पारस शारदा अनम्यूट योर सेल्फ. आईडी विद पारस. हाँ जी पारस, सिक्स रीड करिए. सिक्स वाला पारस, सिक्स रीड करिए बच्चे.
पारस. यस मैम. हाँ जी, सिक्स्थ वर्ड क्या है बोलिए. व्हाट इज दिस सिक्स्थ वर्ड? पी एल ई. फोटो मैम. हाँ, मेरे फोटो नहीं आ रही भाई. क्यों नहीं आ रही है बच्चे आपको? सबको दिख रही है स्टूडेंट्स? शो मी योर थंब. सबको दिख रही है तो थंब शो करिए अपने. यस, ये देखो बच्चे, सबको दिख रही है. मुझे नहीं आई. चलिए, प्लेग्राउंड मैं आपको वैसे बताती हूँ. प्लेग्राउंड नाउन है. प्लेग्राउंड. चलिए. हाँ जी. पी एल ए वाई जी आर ओ यू एन डी. प्लेग्राउंड. ठीक है, प्लेग्राउंड एक नाउन की तरह. प्लेग्राउंड होता क्या बच्चे? व्हाट डू यू मीन बाय प्लेग्राउंड? द वर्ड प्लेग्राउंड. मैम उसके बाद खेल गए. हाँ, प्लेग्राउंड ऐसी ग्राउंड जहाँ पे हम गेम्स खेलते हैं, जब खेलते हैं उसको बोलते हैं प्लेग्राउंड. ठीक है, सो इट्स अ नाउन क्योंकि ये एक प्लेस है. ठीक है, ये एक प्लेस है, इट्स अ नाउन. तो चलिए, मेक एनी सेंटेंस. कोई सेंटेंस बनाइए प्लेग्राउंड का. सेंटेंस बनाइए. आप क्या सेंटेंस बनाओगे अगर आपको एग्जाम में आया तो प्लेग्राउंड का? बोलो बेटा, फटाफट से बोलो. बहुत सारा पड़ा अभी, जल्दी बोलिए. क्या सेंटेंस बनाओगे आप प्लेग्राउंड का? चलिए बच्चे, अगर आप नहीं बना सकते आप कह दीजिए, मैं बना दूंगी आपके लिए. मैं नहीं बना सकती. नहीं बना सकते, कोई बात नहीं. आई प्ले इन प्लेग्राउंड. मैं प्लेग्राउंड में खेलता हूँ. देयर आर टू प्लेग्राउंड्स इन आवर स्कूल. हमारे स्कूल में दो प्लेग्राउंड्स हैं. ठीक है. देयर इज अ बास्केटबॉल स्टैंड इन आवर प्लेग्राउंड. हमारे प्लेग्राउंड में एक बास्केटबॉल का स्टैंड है. ठीक है. द माय स्कूल्स प्लेग्राउंड इज वेरी बिग. हमारे स्कूल का प्लेग्राउंड बहुत बिग है. कई तरह से आप बना सकते हो. आई प्ले इन प्लेग्राउंड. मैं प्लेग्राउंड में खेलता हूँ. ठीक है, तो ऐसे बना सकते हो. ओके, चलिए नंबर टू पे है. पुट द वर्ड्स इन ऑर्डर. ये जो है आपका ये आंसर, ये आप मेरे को इसमें दोगे चैट बॉक्स में. इसका आप आंसर करोगे. ठीक है, चैट बॉक्स में आप आंसर दोगे. यस, मॉर्निंग एंड स्कूल. यस, डायरेक्ट मैसेज मेरे को कनव कौशल ने भेजा है. वेरी नाइस कनव कश्यप, सॉरी गुंजन. बच्चे गुंजन, आप हिंदी में लिख रहे हो. गुंजन क्या प्रॉब्लम है, हिंदी में क्यों लिख रहे हो आप बच्चे? सो एंड सेंड योर आंसर्स डायरेक्टली टू मी. डायरेक्ट मैसेज मेरे को भेज रहे हैं. बहुत गुड स्टूडेंट हैं जो डायरेक्टली मेरे को भेज रहे हैं. इट मीन्स दे नो, उनको पता है कि मैसेज ऑप्शन कैसे लेनी है डायरेक्ट मैसेज की. दैट्स वेरी गुड ऑफ यू. चलिए, फाइंड द ऑपोजिट ऑफ द गिवन वर्ड्स. फास्ट, फास्ट और अप. फास्ट का ऑपोजिट क्या होगा? स्लो. अप का डाउन. वेरी नाइस. और आपकी जो बैक एक्सरसाइज में जो ऑपोजिट वर्ड्स हैं वो आपने अच्छे से ध्यान से करने हैं. ठीक है, ऑपोजिट वर्ड्स को ध्यान से करना है. ओके, देन नेक्स्ट इज फिल इन द ब्लैंक्स है आपकी. ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स पे आपने यस यस फिल इन द ब्लैंक्स है. यस, हाल्दी जंप्ड ऑन जिराफ्स. जिराफ की बैक पे. यस, हाल्दी जिराफ, हाल्दी ने जिराफ की बैक पे जंप किया. तो यहाँ जो बैक है वो है पीठ. ठीक है, इट्स अ नाउन. ओके, इट्स अ नाउन. आपको पेज नंबर 9 से जो नाउन बोल, इट्स अ नेमिंग वर्ड, सॉरी नेमिंग वर्ड बोलने को बोला था ना आपको, मतलब कि नेमिंग वर्ड आपने ढूंढने हैं. तो उसमें बैक भी मैंने लिखा था जो मैंने आंसर की शेयर की थी. तो बैक भी क्या है? एक नेमिंग वर्ड है. ठीक है, नाउन है जिसको हम कह सकते हैं. ठीक है, तो हाल्दी ने जिराफ की बैक पे जंप किया. ठीक है, द जिराफ हैड अ डैश इन हिज हैंड. क्या था उसके हैंड में? बुक. जिराफ हैड अ बुक इन हिज हैंड. चलिए, एक एक्स्ट्रा थिंग मैं आपको पूछती हूँ. द जिराफ वॉज वेयरिंग डैश. क्या पहना हुआ था जिराफ ने? वेयरिंग ग्लासेस. यस, ग्लासेस. ग्लासेस बोलते हैं ये जो होते हैं ना, इनको ग्लासेस बोलते हैं. एक तो होते हैं सन ग्लासेस होते हैं, ये दूसरे ग्लासेस होते हैं. ठीक है, जो देखने के लिए यूज होते हैं ताकि स्ट्रेस ना पड़े हमारी आईज को. ठीक है, इसके बिना थोड़ी हमारी देखने में प्रॉब्लम आती है. स्पेक्टेकल्स बोलते हैं इसको. ठीक है, चलिए,
स्टे ट्रू और फॉल्स. फर्स्ट नंबर पे हाल्दी गोज टू स्कूल ऑन संडेज. संडेज को जाती थी हाल्दी. यस हाल्दी गोज टू स्कूल. यस दिस इज फॉल्स. चलिए अदरवाइज बताइए कि हाल्दी स्कूल कब जाती थी. मंडेज टू फ्राइडेज. मंडेज से लेके फ्राइडेज तक जाती थी. ठीक है. द जिराफ स्ट्रेचेस हिज लॉन्ग नेक. जिराफ ने अपना लॉन्ग नेक ऊपर की तरफ खींचा. सो खींचता है. ठीक है. यस सो दिस इज ट्रू. ओके पहला जो हाल्दी गोज टू स्कूल ऑन संडेज ये फॉल्स था. सेकंड जो जिराफ स्ट्रेचेस हिज लॉन्ग नेक दिस इज ट्रू. नंबर थ्री है द लिटिल मंकी सीज अ मॉन्स्टर इन द रिवर. सो मॉन्स्टर उसको दिखता है. यस ट्रू भव्यम रिधिमा. यस मीनाक्षी ट्रू. वेरी नाइस दिस इज ट्रू. नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. वेयर वाज हाल्दी गोइंग. इसके आंसर मैं आपसे पूछूंगी. ये आपसे पूछना है मेरे को. प्रभगुन की होगी टर्न. प्रभनूर कटारिया अनम्यूट करिए. प्रभनूर कटारिया जरा अनम्यूट करिए अपने आप को. प्रभनूर कटारिया. प्रभनूर कटारिया अनम्यूट करिए अपने आप को. यस मैम. मैम वो मेरा नाम हरनूर कटारिया है. तो हरनूर कटारिया मेरे को कैसे बता रही है. आप बाद में रीनेम करना. आप कर लिया कर लिया. चलिए वेयर वाज हाल्दी गोइंग. हाल्दी कहाँ जा रही थी जल्दी बोलिए. वेयर वाज हाल्दी गोइंग. ऐसे बोलोगे स्कूल. स्कूल नो. मैं स्कूल जा रही थी वो. हाल्दी वाज गोइंग टू स्कूल. तो टेल दिस थिंग इन इंग्लिश बच्चे. हाल्दी वाज गोइंग टू स्कूल. ठीक है. हाल्दी वाज गोइंग टू हाल्दी रीच स्कूल. हाउ डिड हाल्दी रीच स्कूल. स्कूल कैसे पहुंची हाल्दी. How did Haldi reach school? Giraffe की बैग पर बैठ के. Haldi? नहीं ऐसे नहीं. चलिए आप म्यूट हो जाइए. मैं पल्लवी. पल्लवी how did Haldi reach school? अनम्यूट करिए पल्लवी अपने आप को. पल्लवी अनम्यूट करिए. पल्लवी अनम्यूट करिए बच्चे जल्दी. तो आप अनम्यूट नहीं जल्दी होते हो ना. बहुत टाइम वेस्ट हो जाता बच्चे. चलिए वाणी विनायक. जसमीत कौर हैज रिटन द आंसर इन चैट बॉक्स. वेरी नाइस. चलिए वाणी विनायक बताइए. हाउ डिड हाल्दी रीच स्कूल. हाउ डिड हाल्दी रीच स्कूल. आंसर बताओ. जसमीत ने मेरे को आंसर भेजा है. जसमीत वेरी नाइस. मायरा ने भी भेजा है. मायरा वेरी नाइस. यस डायरेक्टली मेरे को भेजा. हाँ बोलो बच्चे. बी फास्ट. हाल्दी जंप्ड ऑन द जिराफ्स बैक एंड ही टुक हर टू स्कूल. यस हाल्दी जंप्ड ऑन जिराफ्स बैक एंड ही टुक हर टू स्कूल. वेरी नाइस. म्यूट करिए अपने आप को. चलिए हाउ डज एन एलिफेंट हैव अ बाथ. सो सौम्या दुग्गल इफ यू कैन आंसर प्लीज अनम्यूट योर सेल्फ. आई हैव गिवन यू द परमिशन. सौम्या अनम्यूट करिए अपने आप को. सौम्या दुग्गल. हाँ जी. हाउ डज एन एलिफेंट हैव अ बाथ. एलिफेंट बाथ कैसे लेता है. एलिफेंट इसका आंसर क्या होगा. हाउ डज एन एलिफेंट हैव अ बाथ. जल्दी बोलिए बच्चे. यस बच्चे बोलिए. नहीं आता है. चलिए इसका आंसर मैं बता देती हूँ. एन एलिफेंट फिल्स इट्स हिज ट्रंक विद वाटर एंड ब्लोज इट ऑल ओवर हिमसेल्फ. ठीक है. अपने ट्रंक में पानी भरता है. एलिफेंट फिल्स हिज ट्रंक विद वाटर एंड ब्लोज इट ऑल ओवर हिमसेल्फ. और अपने पूरा अपने पे फेंक देता है. ओके व्हाई डज लिटिल मंकी वांट टू बी हिमसेल्फ अगेन. लिटिल मंकी दोबारा अपने आप जैसा क्यों बनना चाहता है. व्हाई डज लिटिल मंकी वांट्स टू बी हिमसेल्फ अगेन. यस हु विल आंसर दिस क्वेश्चन. मनमीत कौर. मनमीत इफ यू कैन आंसर प्लीज टेल मी द आंसर. Yes. Why does little monkey want to be himself again? जल्दी बोलिए बच्चे.
इतना ही पता है। चलिए सिमरप्रीत आप बोलिए। सिमरप्रीत अनम्यूट योरसेल्फ, अनम्यूट करिए। यस, व्हाई डस लिटिल मंकी वांट टू बी हिमसेल्फ अगेन, बोलिए बेटा। द लिटिल मंकी, नहीं अनम्यूट करना आ रहा आपको। गुरसिमर आप अनम्यूट हो जाइए। गुरसिमर, हाँ सो रहे हो आप, जागो बच्चे। यस बच्चे, वेरी नाइस, अनम्यूट हो जाओ। यस हाँ जी बोलिए। व्हाई डज लिटिल मंकी वांट टू बी हिमसेल्फ अगेन, स्पीक लाउडली। द लिटिल मंकी वांट्स टू बी हिमसेल्फ अगेन बिकॉज, हाँ, he looks awful in his new look and doesn't like it at all. Okay, वो अपने new look में बहुत ही horrible, बड़ा डरावना लग रहा, awful, अजीब सा लग रहा था, डरावना लग रहा था, horrible लग रहा था, and इसीलिए उसने क्या किया, अपने आप को वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था. Okay, so this is all about today's you can say today's रीडर असाइनमेंट। सो आपने ये रीडर असाइनमेंट अपनी नोटबुक पे करनी है अच्छे से। आप चाहे तो प्रिंट भी निकलवा सकते हो, लेकिन ये क्या है कि प्रिंट अगर निकलवाओगे तो क्वेश्चन आंसर आपको फिर भी नोटबुक में लिखने पड़ेंगे, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज असाइनमेंट। अब हमने कल जो है वो कॉम्प्रिहेंशन नंबर वन डिस्कस किया था ना, कॉम्प्रिहेंशन नंबर वन डिस्कस किया था सबके साथ। यस और नो? कॉम्प्रिहेंशन नंबर थ्री, सॉरी, कॉम्प्रिहेंशन नंबर थ्री डिस्कस किया था कल, डिस्कस किया था कि नहीं किया था बच्चे? यस और नो, याद है किसी को? कॉम्प्रिहेंशन नंबर कितने बच्चों को याद है? यस यस मैम, आई एम गेटिंग आंसर। यस ओके, सो क्या था वो कॉम्प्रिहेंशन? सबने बुकलेट पे किया कॉम्प्रिहेंशन? कॉम्प्रिहेंशन नंबर थ्री था और ये था बर्ड पेंगुइन्स के बारे में, है ना, पेंगुइन्स का था ये। आई एम हैविंग द बुक। यस, पेंगुइन्स के बारे में था ये। तो सबने किया था ये क्वेश्चन, आंसर वगैरह सबने कर लिए थे। आज मैं इसकी आंसर की आपको भेजूंगी, ठीक है। आज जहाँ आपको आज पहले रिटर्न में होमवर्क जाएगा, उसके बाद फिर मैं आंसर की भेजूंगी शाम तक, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट फॉर टूडेज क्लास। सो आई थिंक कि सबने अच्छे से ये कर लिया होगा। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन यू कैन आस्क मी, ओके। आई एम गोइंग टू अनम्यूट, आई एम गोइंग टू गिव द परमिशन टू यू पीपल फॉर आस्किंग योर क्वेरीज। थैंक यू।